राजस्थान में भाजपा व कांग्रेस की आपसी फूट का फायदा आम आदमी पार्टी उठाने की पूरी कोशिश में नजर आ रही है। हाल ही में पंजाब जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त राजस्थान के आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी व दिल्ली के द्वारका विधायक विनय मिश्रा के निर्देशानुसार संगठन को मजबूती देने और संगठन विस्तार के उद्देश्य से राज्य में संभा कार्यकर्ता संवाद यात्रा के रूप में संपन्न हुई थी। अब विधानसभा कार्यकर्ता संवाद यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक एवं दिल्ली स्टेट वोट्स कमेटी दिल्ली सरकार के मेंबर शहनाज हिंदुस्तानी सुमेरपुर विधानसभा में कार्यकर्ता संवाद हेतु जा रहे थे, तो बीच रास्ते में बरग्राम में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका मुख्य बस स्टैंड पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और इस मौके पर पत्रकारों से संक्षिप्त वार्ता भी हुई। शहनाज हिंदुस्तानी ने बताया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई गई है। सरकार पूरी तरह से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विफल रही है। बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बिजली पानी के सवाल के जवाब में हिंदुस्तानी काफ़ी व्यथित नजर आए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है। गंगानगर में तो बहुत ही विकट हालात हैं। बिजली की आपूर्ति निरंतर रूप से नहीं हो पा रही है, बिजली के बिल भी बढ़कर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा 50 यूनिट बिजली मुफ्त करने के सवाल के जवाब में हिंदुस्तानी बोले कि एक तरफ 50 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं तो दूसरी ओर मनमाने ढंग से बिजली कटौती करते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा, यह तो गहलोत सरकार का चुनावी स्टंट है, 50 यूनिट बिजली एक साल के लिए फ्री कर रहे हैं। ये भी ठीक वैसे ही बंद हो जाएगी जैसे मोदी जी ने गैस की सब्सिडी बंद कर दी थी और गैस के दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं, जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बनने से आज तक 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। दिल्ली और पंजाब की तरह राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं महिला सुरक्षा के मुद्दों पर ही 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनेगी तथा जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सरकार बनने पर जनता की पूरी भागीदारी होगी। एक सवाल के जवाब में शहनाज हिंदुस्तानी ने बताया कि प्रदेश संगठन मंत्री दुष्यंत यादव के अनुसार वर्तमान में पार्टी का सारा ध्यान संगठन को मजबूत बनाने पर है। 2 महीने बाद संगठन को मूर्त रूप दिया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस में जो भी अच्छे छवि वाले लोग हैं उन्हें आपके दरवाजे खुले हैं। बर में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद शहनाज हिंदुस्तानी सीधे सुमेरपुर विधानसभा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। वहीं बर में स्वागत कार्यक्रम के दौरान पाली जिला कोऑर्डिनेटर दयाल डांगी, गुलाब सागर, बाबू खान बागड़ी, प्रभारी रामेश्वर वैष्णव, अशोक कुमार, देवाराम सैपाली, आसिफ गौरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।